कटिया जी को समर्थन देने के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित हैं। पहले तो हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और एक बार जोरदार तालियों से सिद्धार्थ अवस्थी जी का हम सभी कार्यकर्ता और जोर से ताली बजाइए भाई। कांग्रेस के प्रत्याशी जी के पुत्र हैं और हम लोग के कार्यकर्ता हैं। मैं उनको आग्रह करूंगा कि हम लोग के बीच में आकर के हम लोगों को जो समर्थन उन्होंने दिया है उसके बारे में दो शब्द यहाँ पर हम लोगों के बीच में रखने का कष्ट करेंगे। आदरणीय सिद्धार्थ अवस्थी जी, आप सभी को सादर प्रणाम। मंचासीन, हम अपने संगठन के सीनियर्स को कभी नाम लेके तो नहीं संबोधित कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैंने इनसे सीखा है कि माटी से बड़ा कोई नहीं होता। जरूरी है मुझे कुछ चाहे कहना, माँ ने मुझे जन्म दिया है, मुझे उनसे स्नेह है, पिता ने मुझे प्रतिष्ठा दी, लेकिन इस भारत की भूमि ने अस्तित्व दिया है और भारतीय जनता पार्टी से मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, गृह मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, उनका विशेष स्नेह और आशीर्वाद मेरे स्वर्गीय पिता पे हमेशा रहा। उप मुख्यमंत्री महोदय दिनेश शर्मा जी, इन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हमारा मार्गदर्शन किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस मंच के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं। मैंने 4 साल अपनी नौजवानी के संगठन को दिए। मैं कार्यकर्ता होने की हैसियत से भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने संगठन के साथ। जब एक छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का इतना ताकत रखता है और अपने जमीर से दगा नहीं कर सकता है, तो आप इतना समझिए कि हमारी पार्टी के पुरोधा, हमारी पार्टी के सीनियर्स, उसके अंदर कैसी क्षमता है कि वो अपने कार्यकर्ता को किस तरीके से पारिजात का वृक्ष समान बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत एक चुनावी जीत नहीं है, ये एक ऐसा समर है विचारधाराओं की लड़ाई। अब विचारधारा जब भारतीयता से अलौकिक है तो आप समझिए यहाँ पे मैं पार्टी नहीं देखता हूँ, ये मेरा परिवार है और भारत माँ से बड़ा कोई नहीं। मेरी माँ वो जरूर है जिनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस अपना काम करेगी, मैं सैनिक हूँ इस संगठन का और मैं जिस जहाँ भी मुझे मेरा आदेश होगा वहां पे मैं खड़ा रहा। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि आप सब लोग मुझके आशीर्वाद बनाए रखें, आप सभी के आशीर्वाद का अपेक्षा रखता हूँ। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।